सुप्रभात बच्चों, बच्चों हमने पाठ पढ़ा था दिव्यांगता पर जीत, ठीक है। इसके हमने लेसन रीड कर लिया था। आगे देखो, इसके प्रश्न उत्तर मौखिक प्रश्न मैंने आपको खुद से करने को कहे थे, ठीक है बच्चों। आज लिखित वाले डिस्कस कर लेते हैं। कल अगर आपको लाइव क्लास में आना होगा तो मौखिक क्वेश्चन सभी की नोटबुक्स में होने चाहिए। लिखित देखो, पहला प्रश्न जो है क्या है वो, दीपा जी ने अपनी सकारात्मक सोच का श्रेय किसे दिया है? बच्चों इसका उत्तर लिखेंगे, दीपा जी ने अपनी सकारात्मक सोच का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। उनके माता पिता ने हमेशा उनका उत्साह बढ़ाया और कहा, तुम जल्दी और जरूर ठीक हो जाओगी। उन्हें इतनी खतरनाक बीमारी थी, तब भी उनके माता पिता ने हमेशा उनको उत्साह बढ़ाया, उनको सकारात्मक रहने को कहा और कहा, तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी और जरूर ही ठीक हो जाओगी। ठीक है, इसका उत्तर क्या लिखेंगे, दीपा जी ने अपनी सकारात्मक सोच का श्रेय अपने माता पिता को दिया। उनके माता पिता ने हमेशा ही उनका उत्साह बढ़ाया और कहा, तुम जल्दी और जरूर ही ठीक हो जाओगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, मैं अन्य बच्चे बच्चियों जैसी ही हूँ, दीपा जी के मन में यह विचार कब आया? तो इसका उत्तर बच्चे लिखेंगे, लंबे समय तक अस्पताल में रहने के कारण उनके अंतर मन में एक जिद सी पैदा हो गई थी कि मैं अन्य बच्चे बच्चियों जैसी ही हूँ, और वे स्कूल में होने वाली हर गतिविधि में हिस्सा लेती और ट्रॉफी लेकर ही लौटती थी। जब उन्हें बहुत समय तक अस्पताल में रहना पड़ा था तो उनके मन में एक जुनून सा पैदा हो गया था कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सब कुछ करने में सक्षम हूँ। तो क्या करती थी वो, हर एक गतिविधि, हर एक एक्टिविटी में पार्ट लेती थी और उसमें जरूर कुछ ना कुछ ट्रॉफी लेकर ही लौटती थी। तो क्या लिखेंगे इसका उत्तर, लंबे समय तक अस्पताल में रहने के कारण उनके अंतर मन में एक जिद भी पैदा हो गई थी कि मैं अन्य बच्चे बच्चियों जैसी ही हूँ, और वे स्कूल में होने वाली हर गतिविधि में हिस्सा लेती और ट्रॉफी लेकर ही लौटती थी। ठीक है, तीसरा है, दीपा मलिक ने अपनी शादी के बारे में जो कुछ बतलाया उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लिखेंगे, दीपा मलिक ने अपनी शादी के बारे में बताते हुए कहा कि एक बार जब वे हॉस्टल से घर आई तो उन्होंने एक जवान आर्मी ऑफिसर को नई बाइक पर देखा। तब उन्होंने उससे बाइक मांगी और उसे चलाया। उन्होंने कहा कि वे बाइक अच्छी चलाती हैं और पूछा कि शादी हुई है या नहीं। तब दीपा ने जवाब दिया, जो बाइक देगा उसी से शादी करूंगी। अगले दिन वे दीपा के पापा से उनका हाथ मांगने आ गए और शादी के बाद उन्होंने दीपा को नई बाइक भी दिला दी। ठीक है, क्या लिखेंगे, दीपा मलिक ने अपनी शादी के बारे में बताते हुए कहा कि एक बार जब वे हॉस्टल से घर आई तो उन्होंने एक जवान आर्मी ऑफिसर को नई बाइक पर देखा। तब उन्होंने उनसे बाइक मांगी और चलाई। उन्होंने कहा कि वे बाइक अच्छी चलाती हैं और पूछा कि शादी हुई है या नहीं। तब दीपा ने जवाब दिया कि जो बाइक देगा उसी से शादी करूंगी। अगले दिन वे दीपा के पापा से उनका हाथ मांगने आ गए और शादी के बाद उन्होंने दीपा को नई बाइक भी दिला दी। ठीक है, गांव वाला देखो, दीपा मलिक को दोबारा ट्यूमर होने का पता कैसे चला, कब चला? तो उत्तर लिखेंगे, सन 1999 में दीपा ऊटी गई, तब उन्हें वहां चलने में कठिनाई होने लगी। उसी समय कारगिल युद्ध शुरू होने के कारण उनके पति कर्नल विक्रम सिंह को ड्यूटी पर जाना पड़ा। तब दीपा ने अस्पताल में जांच करवाई तो पता चला कि ट्यूमर वापस आ गया है। दोबारा देखो, जब 1999 में दीपा ऊटी गई, तब उन्हें वहां चलने में कठिनाई होने लगी। उसी समय कारगिल युद्ध शुरू होने के कारण उनके पति कर्नल विक्रम सिंह को ड्यूटी पर जाना पड़ा। तब दीपा ने अस्पताल में जांच करवाई तो पता चला कि ट्यूमर वापस आ गया। ठीक है बच्चों, अभी आप ये चार प्रश्नों के उत्तर लिख लेना और बाकी के जो चार क्वेश्चन, चार ही है ना, हाँ, बाकी के तीन बचे हैं वो मैं आपको कल आपकी ऑफलाइन क्लास में कराऊंगी। ठीक है, और ऑफलाइन क्लास में सभी को प्रेजेंट होना कंपलसरी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।